मारूफ मोबाइल नेटवर्क कंपनी जैस के नाजायज टैक्सेस पर सार्फिन फट पड़े। हैशटैग लूट रहा है जैस ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। तफसीलात के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क कंपनी जैस की नाजायज हरकतों की वजह से सार्फिन फट पड़े हैं और उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सार्फिन का कहना है कि जैस कहने को तो 4G का दावा करता है लेकिन इनका नेट 4G क्या 2G भी नहीं चलता। आए रोज खुद से मैसेज करके सार्फिन के मुख्तलिफ पैकेजेस एक्टिव किए जाते हैं और सार्फिन के इलम में लाए बगैर पैसे काटना शुरू कर दिए जाते हैं। जैस की नाजायज हरकतों से सार्फिन इतना तंग आ चुके हैं कि अब वो फट पड़े हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लूट रहा है जैस टॉप ट्रेंड चल रहा है, जिसमें सार्फिन अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। एक सारिफ उस्मान सादिक का कहना है कि जैज नेटवर्क वालों को यह देखकर थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए और अपनी सर्विस बेहतर करनी चाहिए। कल रात से लूट रहा है जैज टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान में, इस पर कोई रद्द अमल जैज की इंतजामिया की तरफ से अभी तक नहीं आया। एक और सारिफ का कहना था कि मैं पिछले 3 माह से जैज ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन हर बार एक नया लॉलीपॉप देकर भेज देते हैं। एक और सारिफ ने कहा कि ये है वो सबूत जो मेरे पास महफूज है, आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। कई बार कहा गया कि आपका 2 दिन में मसला हल हो जाएगा, आज 8 माह होने को है, सब बकवास है। वाजह रहे कि जैस की जानिब से सार्फिन को किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स बरवक्त नहीं दिया जाता और सार्फिन के पैसे मुसलसल काटे जाते हैं। For more and latest updates, please like and subscribe Ace News, and press the bell icon for all notifications.